नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पहले नाम बताओ फिर दुकान लगाओ। जी हाँ, आप देखिए 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और इसी कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर के जो SSP हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। प्रशासन की तरफ से एक ऐलान हुआ है कि मुजफ्फरनगर के रास्ते, जो भी कांवड़ यात्रा का जो रास्ता है उसके रास्ते जितने भी होटल आते हैं, जितने भी जो ठेले लगाते हैं और जो दुकानदार हैं, उन्हें अपनी दुकान के आगे मालिक का नाम बताना होगा। और इसके पीछे की वजह है ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा बनी रहे, किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े, हुड़दंगी इसमें कुछ उलटपटांग करने में कामयाब ना रहे। और इसी के चलते एक SSP की तरफ से एक बयान भी सामने आया है और आदेश पत्र जारी करते हुए उन्होंने ये भी कहा है, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का मार्ग 240 किलोमीटर है। इस मार्ग पर खान पान के जितने ठेले और होटल हैं, इन जगहों से अपने लिए खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। इन दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने प्रोपराइटर और वहां काम करने वालों के नाम बाहर प्रदर्शित करें ताकि कांवड़ियों में किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। हमारी कोशिश है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं आरोप प्रत्यारोप और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति ना बने। मार्ग पर सभी दुकानदार स्वेच्छा से इस निर्देश का पालन कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन के इसी फैसले का फिलहाल तो देखे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बकायदा ट्वीट कर उन्होंने ये कहा भी है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा कि इस फैसले से कहीं ना कहीं जो मुसलमान जो दुकानदार हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हें इस कांवड़ यात्रा से जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। और उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा है, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। सांसद की प्रतिक्रिया उस खबर पर आई है जिसमें दावा किया गया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान एक फरमान जारी की है, जिसमें अपील की गई है कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अपनी पहचान को साझा करें और दुकान के बाहर अपना नाम जरूर लिखें। तो देखा आपने, मैंने आपको एक पक्ष वो भी बताया जो मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से, जो SSP की तरफ से अभिषेक सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि भाई पहले आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, उसके बाद आपको दुकान लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा है। यहाँ पे कहीं कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी भ्रम की स्थिति के चलते कई बार माहौल, जो एक सौहार्द होता है, वो बिगड़ने का उसका एक संभावना बनी रहती है। अब देखिए सही क्या है गलत क्या है वो आप तय कीजिएगा, लेकिन इस पूरे मसले पर फिलहाल जो आपके अखिल भारतीय गंगा समिति के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्रनंद सरस्वती जी, उनकी इस पर क्या टिप्पणी सामने आई है, उनका क्या बयान आया है, वो आप जरूर सुनिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को अपने दुकानों पर अपना नाम लिखना कि दुकान का मालिक कौन है यह अनिवार्य किया जाना अखिल भारतीय संत समिति हृदय से स्वागत करती है। आखिर इस बात का विभिन्न राजनीतिक दल अथवा मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहा है? कल तक आप हलाल सर्टिफाई सामान बेचते थे तो हमने तो प्रश्न बहुत नहीं उठाए। हलाल सर्टिफाई आप हिंदुओं से कराने लगे और आज आप अपनी पहचान छुपा करके व्यापार क्यों करना चाहते हैं? हमने तो नहीं कहा, परंतु आपने जरूर महाराष्ट्र के अंदर पिछले ईद पर यह कहा कि मुसलमान मुस्लिम व्यापारियों से ही बाजार करें और सामान खरीदे। हमने यह नहीं कहा, हम बस आपकी पहचान जानना चाहते हैं कि ये जो थोकलीगी गैंग है, जो हलाल सर्टिफाई गैंग है, ये इसका असल चेहरा सामने आना ही चाहिए।